रीवा एटीएम बूथ में अनजान व्यक्ति से मदद मांगने के व्यक्ति को महंगा पड़ गया। आरोपी ने बड़ी सफाई से उसका कार्ड बदल कर उसके खाते से रुपए निकाल लिए। जानकारी होने पर पीड़ित ने मऊगंज थाने में शिकायत दर्ज कराई है, जिस पर पुलिस अब आरोपी की तलाश कर रही है। दरअसल ये पूरी घटना मऊगंज कस्बे की बताई जा रही है, जहाँ पर अब्दुल हकीम पिता शेख मोहम्मद निवासी रामपुर थाना मऊगंज सोमवार को कस्बे के गंगा वाटिका के समीप स्थित बूथ में पैसा निकालने गए थे। उनको रुपए निकालने में दिक्कत हो रही थी तो समीप ही खड़े एक व्यक्ति से मदद मांगी और उससे अपना पिन नंबर बता दिया। आरोपी ने उनकी मदद के बहाने बड़ी सफाई से कार्ड बदल दिया और दूसरा कार्ड पकड़ा दिया। बाद में आरोपी वहां से चला गया। आरोपी ने मृत के खाते से 23,000 रुपये निकाल लिए। पीड़ित को जब संदेह हुआ तो कार्ड चेक किया तो दूसरे व्यक्ति के नाम पर था। उन्होंने बैंक में जाकर खाता चेक किया, तब रुपए निकालने की जानकारी हुई। उन्होंने थाने पहुंचकर घटना की शिकायत दर्ज कराई, लेकिन घटना को अंजाम देने वाले आरोपी की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। उक्त एटीएम बूथ में इससे पूर्व भी ठगी की घटनाएं हो चुकी हैं। एक व्यक्ति जो है मऊगंज अपने एटीएम के साथ में एटीएम मशीन में गया और पैसा निकाल रहा था, उसे ऑपरेट करते नहीं आ रहा था। एक अनजान व्यक्ति को उन्हें एटीएम दे दिया, उसने कहा कि अभी हम लिंक करके आपको देते हैं, आप प्रतीक्षा कर लो, और उसने उनके खाते से 23,000 रुपये निकाल करके चला गया। जब वो बैंक गया तो बैंक से उसको पता चला कि उसके अकाउंट से 23,000 रुपये निकल गया है। इस बात की सूचना उसने मऊगंज में दी है। मऊगंज में तत्काल जो है अपराध का पंजीयन कर एक टीम जो है कार्रवाई हेतु रवाना हुई है। स्टेट बैंक के जनरेट करने के लिए लाए थे कि जनरेट करेंगे, कुछ पैसा भी निकालेंगे। एटीएम लेके आए, एटीएम फिर क्या हुआ? एटीएम कार्ड फिर क्या हुआ? आ फिर माने वो कर रहे थे तो नहीं आ रही थी, तो एक आदमी आया तो कहा कि क्या परेशान है क्या? हम कहें कुछ भाई है परेशान, कहीं देखिए हम वो करते हैं। और वो जनरेट किया पिन कोड और एटीएम बदल करके हमको एक दे दिया एक प्रजापत के नाम से। तो हम गए बैंक, तो बैंक में पता चला पैसे पूरा निकल गया।